हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि आप लोग अपना सस्पेंड अकाउंट कैसे रिकवर करना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यही अकाउंट सस्पेंड होगा और इस अकाउंट का जो नेम है वो भी आपको नजर आ रहा है और नीचे डेट भी शो होगा कि 7 सितम्बर 2021 पर यही अकाउंट सस्पेंड होगा और नीचे ये भी कह रहे कि आप लोग अपना अकाउंट के लिए 30 दिन के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर आप डिसीजन नहीं लिया तो फिर आपका अकाउंट बिल्कुल परमानेंट डिलीट होगा। तो सस्पेंड अकाउंट कैसे रिकवर होगा आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करो, फुल वॉच करो। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन और फिर आल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करो या फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करो। तो चलो मैं ओपन करता हूँ और फिर इसमें आप लोग अपना फेसबुक आईडी लॉग इन करो। मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा। आईडी लॉग इन करने के बाद नीचे एक ऑप्शन शो होगा डिस एग्री विद डिसीजन, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एस एंटर पे आते हैं और ऊपर आपको नजर आ रहा है अपलोड यूर आईडी, मतलब आप लोग अपना प्रूफ अपलोड करो। प्रूफ में से आपके पास नेशनल आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन उसका जो डेट ऑफ बर्थ है और नेम है वो अकाउंट के साथ मैच करना भी जरूरी है। तो चलिए नीचे एक ऑप्शन शो होगा टेक फोटो, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। और आप देख रहे कि मेरे मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ओपन होगा, लेकिन मेरे पास जो प्रूफ है मतलब आईडी कार्ड है वो पिक्चर की शक्ल में पड़ा है। तो चलो अब यहाँ से मैं दोबारा बैक आते हो और उसके बाद फिर यही अकाउंट जल्दी मैं क्रोम ब्राउजर में लॉग इन करता हूँ। तब के लिए मैं वीडियो रोक लेता हूँ। यही अकाउंट मैंने क्रोम ब्राउजर में लॉग इन कर दिया क्योंकि आपको ऊपर नजर आ रहा है कि सर्च बार भी आते हैं और उसके साथ नीचे आपको ये भी नजर आ रहा है कि टेक फोटो आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3 डॉट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर ये पेज इस तरह मैं स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड है तो आप लोग डेस्कटॉप साइड इनेबल करो। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये सेंटर पेज आते हैं। तो चलिए पेज इस तरह मैं जूम करता हूँ और आपको नजर आ रहा है कि पहले टेक फोटो आते हैं, अभी टेक फोटो की जगह चूज फोटो आते हैं। तो चलो चूज फोटो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपना गैलरी से वो प्रूफ अटैच करता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने वो प्रूफ अटैच कर दिया और उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेंटर पेज आते हैं। तो चलिए पेज इस तरह मैं जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अकाउंट का जो नेम है वो भी शो होगा और उसके बाद नीचे यू डिस एग्री विद डिसीजन वाला ऑप्शन भी आते है और उसके साथ यहाँ पर एक और बात भी मेंशन कर दिया, जस्ट यूर एड है, मतलब फेसबुक टीम कह रहा है कि आपका अकाउंट का जो रिव्यू है वो 1 दिन में होगा। अभी ये पता नहीं कि 1 घंटे बाद होगा या 2 घंटे बाद होगा या पूरा दिन। तो इस तरीके से आप लोग अपना सस्पेंड अकाउंट का प्रूफ सबमिट करो और फिर आप लोग वेट करो जब तक आपको फेसबुक टीम की तरफ से ईमेल रिसीव नहीं होगा। जब आपके पास ईमेल रिसीव होगा तो फिर आप लोग अपना अकाउंट चेकआउट करो, इंशाल्लाह आपका अकाउंट 110% ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।